Hey guys, welcome back. दोस्तों PUBG मोबाइल में 0.18.0 का जो अपडेट आने वाला है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सा न्यू मैप आएगा, कौन सी न्यू गन है और कौन कौन सी न्यू फीचर्स आने वाले हैं, न्यू अचीवमेंट आने वाले हैं, सारी चीजें दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई है, कोई भी चीज मिस नहीं करी है, तो फटाक से इस वीडियो को लाइक करो और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है 0.18.0 का बीटा वर्जन। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं जो अपडेट में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप की। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको दोस्तों मीरामार 2.0 देखने को मिलने वाला है। चलो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इरेंगल के नीचे ही न्यू करके लिखा हुआ है एंड ये है आपका मीरामार 2.0। इसका गेम प्ले वगैरह मैंने आपको सारी चीजें दिखाई दी हैं, आपको भी पता है इसमें क्या क्या न्यू चीजें आ चुकी हैं मीरामार 2.0 में। इरेंगल 2.0 अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है 0.18 में, सो आप समझ सकते हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद दोस्तों प्ले लैब में आपको एक और न्यू मैप देखने को मिलेगा जिसका नेम है ब्लू होल मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों आपको दो सर्कल देखने को मिलेगा, एक अंदर भी एंड मतलब कि जो सर्कल होगा उसके अंदर भी एंड जोन के बाहर वाला सर्कल तो ऑलरेडी रहता ही है, तो दो जोन आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आपको एक न्यू करेंसी देखने को मिलेगी जिसका नेम है AG। डायमंड को हटा दिया है, पता नहीं क्यों डायमंड को हटा दिया, अब उसकी जगह न्यू करेंसी आ चुकी है AG। आप UC के बाजू में देख सकते हो, तो ये एक न्यू करेंसी है। इसका क्या इस्तेमाल है ये तो जब अपडेट में आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो अभी आपके फिलहाल जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अब आपको सिल्वर से बड़ी एक न्यू करेंसी देखने को मिलेगी जिसका नेम है AG। एंड उसके बाद दोस्तों आपको गन क्राफ्ट करके एक न्यू फीचर दिया जाएगा, जैसे आप गन को अपग्रेड करते हो वहीं पे आपको ये न्यू फीचर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो वर्कशॉप पे क्लिक करो एंड गन क्राफ्ट करके आपको एक न्यू फीचर मिलेगा जहां पे दोस्तों आप अपने जो गन है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हैं ये कुछ मटेरियल्स हैं जिससे हम गन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब बीटा वर्जन है इसलिए हमें फ्री में मिला है, लेकिन दोस्तों ये ग्लोबल वर्जन में हमें पेड में मिलेगा, मतलब कि हमें उसके लिए UC खर्च करने पड़ेंगे। एंड गाइस आपको एक न्यू चेयर पार्क देखने को मिलेगा जहाँ पे दोस्तों आप ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सारे इंजॉयमेंट कर सकते हो। एंड इसमें खास बात यह है कि आप अपने टीममेट्स के साथ भी आ सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है चेयर पार्क एंड यहाँ पे आप ही नहीं बहुत से लोग होंगे, मतलब कि बहुत से प्लेयर्स आएंगे एंड टाइम पास कर सकते हो। एक प्रकार से बहुत ही अच्छी जगह है। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ सारी की सारी जो गन्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो सारी गन्स एंड सारे जो अटैचमेंट होते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स को एंड जो क्लैन मेंबर्स हैं या फिर जो रिसेंटली जिनके साथ आपने मैच खेली है सबको इनवाइट कर सकते हो एंड अपने साथ यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला सकते हो। एंड सबके साथ जो है कुछ भी नया सीखने का आपको अलग ही फील आएगा यार, क्योंकि टीममेट्स के साथ पहली बार हम ट्रेनिंग रूम में रहेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये एक न्यू फीचर आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको एक साइड स्कोप करके न्यू स्कोप देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिससे दोस्तों क्लोज रेंज में आपको स्कोप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कई बार दोस्तों होता है ये कि हम M4 में 6x लगा के रखते हैं एंड जैसे क्लोज में बंदा आता है तो वापस से हम रेड डॉट लगाते हैं, तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये साइड स्कोप लगा लेना है जिसमें दोस्तों आप कोई भी दूसरा स्कोप एंड साथ ही साथ ये साइड स्कोप लगा सकते हो, मतलब कि एक ही गन में दो दो चीजें अब लगेंगी। एंड इससे फायदा ये होगा कि क्लोज रेंज में आपको स्कोप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है एंड साथ ही साथ आपको लॉन्ग रेंज के लिए भी कोई भी स्कोप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों काम आप एक साथ कर सकते हो। तो ये साइड स्कोप का न्यू फीचर पबजी मोबाइल ने फाइनली बीटा वर्जन में ला दिया है एंड बीटा वर्जन से ग्लोबल वर्जन में आने में थोड़ा सा ही अब समय रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक न्यू साइड स्कोप देखने को मिलेगा 0.18.0 के अपडेट में, सो ये काफी अच्छी चीज है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो एरिना है इसमें आपको एक न्यू गन देखने को मिलने वाली है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे कहाँ गए, ये है आपको एक P90 करके एक न्यू गन देखने को मिलेगी जिसमें 9 की एमओ आपको यूज होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें 50 MO आई थिंक रिलोड होती है वन टाइम में, सो काफ़ी अच्छी बात है, 50 MO बहुत होती है। एंड ये UMP 9 हमारी थी उससे भी कई खतरनाक होने वाली है, लेकिन दोस्तों ये एक मतलब कि बैड न्यूज़ है कि ये आपको क्लासिक मैप में अभी देखने को नहीं मिलने वाला,
जहाँ दोस्तों किसी भी क्लासिक मैप में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टीडीएम में या फिर एरिना में या फिर रैंक्ड एरिना में, ये सब में आप इस गन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें न्यू अचीवमेंट की, तो यहाँ पे आपको एजी करेंसी से रिलेटेड एक न्यू अचीवमेंट देखने को मिलेगा, जिसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो दोस्तों आपको 150 जो एजी न्यू करेंसी है वो देखने को मिल जाएंगी। एंड काफी अच्छी बात है यार, 150 एजी मिलेगी। एंड उससे दोस्तों आप क्या करोगे ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, अभी पबजी मोबाइल ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। तो ये एक न्यू बात है यार कि एजी मिलेगा। एंड आई थिंक अब हमें क्रेट्स वगैरह में जो बार बार चीजें आती हैं उन्हें हम ब्लॉक भी कर सकते हैं इस एजी से, जैसे कि डायमंड का एक लीक्स आया हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों बात कर ले सेनॉक की, तो सेनॉक में आपको एक न्यू मोड देखने को मिलेगा जिसका नेम है जंगल एडवेंचर। यहाँ पे आप देख सकते हो जंगल एडवेंचर मोड लगा हुआ है। एंड इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी एडवेंचर वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये अलग से ही टेम्पल सा बना हुआ है, आई डोंट नो ये क्या है लेकिन आप देख सकते हो। एंड इसके पास आओ तो यहाँ पे कुछ करने को आ रहा था तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जैसे कि प्रे व्रे करते हैं वैसा कुछ है जो है इसका इंटरफेस आया। एंड यहाँ पे मुझे कुछ मिला तो इसे हम फेंक के देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जब हमने इसे फेंका तो आप देख सकते हो एक मतलब कि कुछ अलग सी ही चीज़ आई, इसका नेम तो मैं नहीं जानता बट आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस जंगल एडवेंचर में आपको जंगल फूड देखने को मिल जाएंगे जिसे आप खा सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हॉट एयर बलून देखने को मिलेगा जिसे दोस्तों आप हवा में उड़ा सकते हो, मतलब कि पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने पूरी स्क्वाड के साथ। ये स्क्वाड सोलो एंड डुओ हर एक मैप में जंगल एडवेंचर मोड लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये सेनॉक में देखने को मिलेगा एंड आपको किसी भी मैप में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी न्यू चीजें आने वाली हैं आपकी 0.18.0 के अपडेट में। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपके वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।